सीखेंगे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाए। एक कंपनीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो है सैलरी स्लिप बनाई जाती है, उनमें कुछ प्रॉफिट्स वगैरह उनको दिए जाते हैं, जैसे एचआर हाउस रेंट अलाउंस उनको मिलता है, उनकी सैलरी में ऐड होता है, डीए यानी डीएनएस अलाउंस, पीएफ वगैरह जो है वो उनका कटता है यानी प्रोविडेंट फंड, या ईएसआई भी है जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये चीज़ें जो है उनकी कुछ सैलरी में ऐड होता है और कुछ उनकी सैलरी से कटता भी है। तो लास्ट में ग्रोथ सैलरी कितनी निकाली जाती है और कैसे निकाली जाती है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय जैसे आईडी नंबर है, यहाँ पर हमने एक आउटपुट आया हुआ है, एक एम्प्लॉय की हमने निकाली गई है, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर है, उसका नाम है, बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी उसकी इतनी है, उसमें उसको एचआर 5% मिल रहा है। ये सिर्फ हम समझाने के हिसाब से एक आउटपुट बनाया है, तैयार किया है, जिससे आपको ये समझ में आए कि देखो एचआर हम और भी ले सकते हैं, परसेंटेज आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे 5% की जगह 6% है, 7% है, 8% है, तो वो अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है। सिर्फ हमने समझाने के हिसाब से यहाँ पे 5% एचआर दिया है, 8% आपको डीए दिया है और पीएफ 6%। तो यहाँ पे बेसिक पे जो 45,000 है, एचआर 5% है और डीए जो है 8% है, इतना निकल रहा है, और पीएफ जो है वो इतना निकल रहा है 6%, और लास्ट में ग्रॉस सैलरी निकाली गई। ये कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हमें एक एम्प्लॉय का नंबर जिसे हमने आईडी नंबर डालती है, उसको नाम कि बेसिक पे मान के चलते हैं कि उसकी 40,000 है और एचआर उसको 5% दिया जा रहा है, तो 5% कैसे निकाला जाएगा 40,000 का, इक्वल टू करना है ये बेसिक पे वाला जो सेल एड्रेस है इसे हमें लेना है, सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और 5% हमें ऐड करना है, तो 5 और परसेंट भी लगाना है, तो 2000 उसका एचआर निकल जाता है। उसके बाद डीए है, डीए कितना है 8% इक्वल टू करके ये बेसिक पे लेना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और इसमें 8% ऐड कर देना है। इसके बाद पीएफ यानी पीएफ उसकी सैलरी में से कटेगा, यानी प्रोविडेंट फंड है जो 6% उसको दिया जा रहा है, जो उसकी सैलरी में से कट रहा है, इक्वल टू किया, बेसिक पे लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 6%। तो इस तरीके से हमारे पास एच आर ए भी निकल गया है 2000, डी ए निकला है 8% 3200 और पी एफ निकला है 6% 2400। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको एच आर ए और डी ए उसकी बेसिक पे में ऐड करना है और पी एफ जो है उसकी सैलरी से काटना है। तो हम ये तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, इक्वल टू करना है, और चाहे तो आप सम का फॉर्मूला लगा के इन तीनों को ऐड कर ले, या फिर आप प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया है, ब्रैकेट ओपन करके हमें बेसिक पे एच आर ए कितना निकाला है वो और डी ए कितना निकला है, इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में यूज कर दिया, इन तीनों को हमें ऐड करना है और पीएफ जो है वो कटेगा, तो हमें माइनस का सिंबल लगा के इस सेल एड्रेस को यानी जो 2400 हमारा पीएफ निकला है 6% वो ले लेना है। तो यानी ये तीनों ऐड होके इसमें से इसको लेस कर, यानी पीएफ को लेस कर, और उसकी बन जाएगी 42,800 उसकी ग्रॉस सैलरी, जिसमें एचआरए इंक्लूड है, डीए इंक्लूड है और पीएफ जो है वो उस सैलरी में से काट कर। इस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय की आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज की आप एक एच आर ए कितना बन रहा है, उसका डी ए कितना बन रहा है, उसका पी एफ कितना बन रहा है, कंपनी आपको क्या प्रॉफिट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सैलरी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।